So hello guys, welcome back to my channel. I hope so all will be great and happy. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स. इसमें मैंने आपको सब चीज़ें स्टेप बाई स्टेप बहुत ही ईजी तरीके से बताई हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा. मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में छोटू सा बेल आइकॉन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा. चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सेलो टेप लिया है जिसको मैंने अपनी आई के कॉर्नर पे लगा लिया ताकि मेरे आई शेडो को एक टेप मिल पाए इसकी वजह से. एंड फिर मैंने कंसीलर लिया था मेवलिन का, देन मैंने उसे अपनी आईलिट्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड अपनी आईब्रोज के ऊपर भी अप्लाई किया था ताकि जितने भी हार्स जो मतलब डार्क सर्कल्स टाइप्स हैं वो हाइड हो जाएँ और आई शेडो कलर उभर कर आ पाए इसलिए. और देन मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. हमारी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आई शेडो मतलब आई मेकअप लुक पे, तो ब्लेंडिंग पे खास ख्याल रखिएगा आप सभी. मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने कंसीलर को ब्लेंड किया है, देन उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड किया है. देन मैंने लिया है हुडा ब्यूटी पैलेट आई शेडो पैलेट, देन उससे मैंने एक स्किन कलर पिक किया जिससे मैं अपना कंसीलर पहले सेट करूँगी पूरा ताकि कलर उभर कर आए जो भी कलर मैं अप्लाई करूँ. और ये आई मेकअप लुक आप कहीं पे भी करके जा सकते हैं, नाइट एंड डे हर जगह चलेगा. देन मैंने लिया है डार्क ब्राउन सेट, तो उसे मैंने अपनी क्रीज लाइन पे आउटर फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है एंड ब्लेंड बहुत अच्छे से किया है ताकि कोई हार्ड सर्विस ना दिखे इसमें. दोनों आईज पे मैं अप्लाई कर लूँगी वो आई शेडो. एंड गाइस ये ड्यूप पैलेट है हुडा ब्यूटी का, तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि ओरिजिनल है एंड ऑल. एंड फिर मैंने कंसीलर लिया है मेवलिन का जिससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अच्छे से मतलब कट क्रीज का को करने के लिए लोअर कट क्रीज मतलब नॉर्मल का इस कट क्रीज बनाऊंगी मैं कंसीलर से. देन मैंने लिया था जैकलिन हिल्स पैलेट आई शेडो पैलेट, उससे मैंने एक सिमरी सेट पिक किया है ब्राउन कलर का और उस कंसीलर के ऊपर मैं अच्छे से इसे सेट कर लूँगी और ब्लेंड कर दूँगी. और इसको फ्लैट ब्रश की हेल्प से ही करें, ब्लेंडिंग ब्रश की करेंगे तो अच्छा नहीं आएगा, तो आप फ्लैट ब्रश से ही करें जैसा कि मैं कर रही हूँ, आपको दिख रहा होगा अच्छे से. एंड मैं थोड़ा सा झुकी हुई इसलिए हूँ कि ताकि आपको पूरा अच्छे तरीके से दिख जाए. दोनों आईज से मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इसको. उसके बाद मैंने लिया है लैक्मी एब्सोल्यूट का आईलाइनर, उससे एक मैं विंग बनाऊंगी, एक काफ़ी बड़ा विंग बनाऊंगी और एक पतला सा विंग होगा लेकिन थोड़ा सा आउटर वी में थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ये बहुत ही अच्छा विंग बनेगा इससे. और ये लाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से विंग आईलाइनर क्रिएट हो जाता है और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. इसका वॉन्ड बहुत अच्छा है तो मुझे काफ़ी पसंद है आईलाइनर. उसके बाद मैंने वो टेप निकाल करके फेंक दिया है जो सेलो टेप मैंने अप्लाई किया था. इससे आप खुद ही देख लीजिए बहुत ही प्यारा विंग बना है. अगर आपको सेलो टेप अप्लाई करके अपना आई शेडो आई मेकअप करेंगे तो आपका आई मेकअप फेबलस लगेगा एंड बहुत ही प्यारा लुक देगा आपको.
इसलिए मैंने आप बताया कि सेलो टेप से ही अपना आई शेडो करें तो एक अच्छी सी क्रीज लाइन तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने लिया है आई लेसेस कर्लर, जिससे मैं अपनी आई लेस को थोड़ा सा कर्ल करूँगी और मैं कोई भी फॉल्स लेसेस नहीं अप्लाई करूँगी यहाँ पे, केवल मस्कारे से सेट करूँगी अपने आई लेसेस को, क्योंकि एक नॉर्मल लुक है तो हमको नॉर्मल ही रखना है। देन मैंने लिया है लैकमे का जेल काजल, उसको मैं अपनी वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, लोअर वाटर लाइन पे। एंड टियर डक्ट के पास ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है इसको। देन मैंने लिया है एक पिंक आई शेडो, लाइट बेबी पिंक कलर का, उसको मैंने अपनी लोअर लेफ्ट लाइन पे प्लेस किया है ताकि एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो पाए। उसके बाद मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट, ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, इससे मैं अपनी आईब्रो बोन में को हाईलाइट करूँगी और उससे मैं अपने फिर इनर कॉर्नर जो होते हैं आईज़ में उसको हाईलाइट कर दूँगी, जिससे आई लुक थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा और बहुत प्यारा लुक देगा आपको। देन मैंने ली है एक स्पूली की हेल्प से मैंने अपनी आईब्रोज को सेट कर लिया है। देन मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं यूरोप गर्ल का आईब्रो पाउडर, उससे अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी और मैंने ब्राउन शेड यहाँ पे पिक किया था। एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आईब्रो पाउडर, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल करने के लिए मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लिया यहाँ पे, मैंने लिए लैकमे सीसी की क्रीम, जिससे एक बहुत ही अच्छा बेस अप हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने गाइस प्राइमर अप्लाई कर लिया था पहले से, उसकी जो वीडियो थी वो धोखे से मेरे से कट हो गई, तो सॉरी। तो आप पहले प्राइमर अप्लाई कर लें, उसके बाद ही कुछ अप्लाई करें, कोई सी भी क्रीम या फिर फाउंडेशन, जिससे आपका आपके फेस को एक अच्छा सा कैनवस प्रोवाइड हो जाएगा और कोई भी जितनी भी क्रीम के केमिकल्स होंगे वो फेस पे नहीं जा पाएंगे, तो आप पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये एक टिप थी एक्चुअली। एंड पूरे अच्छे से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी सीसी क्रीम को, ताकि कोई पैची लुक ना दे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है एंड बहुत ही अच्छा कवरेज देती है क्रीम। देन मैंने लिया है लैकमे का लूज पाउडर, पिंक टोन पे आता है, मैंने बेबी पिंक टोन पे अप्लाई बेबी पिंक टोन पाउडर लिया था और उसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जहाँ जहाँ पे मुझे डर है क्रीज होने का कि कहीं पे क्रीज ना हो क्रीम, तो उस जगह मैंने इसे अप्लाई किया जहाँ, तो आप भी वहीं वहीं पे अप्लाई करें। देन मैंने इसे थोड़ी देर बेक होने दिया, देन इसे मैंने अच्छे से डस्ट आउट कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है सिवाना कलर्स का ब्लशर पैलेट, इसी से मैंने कॉन्टोर सेट लिया है पहले, आई मीन ब्रॉन्ज्ड है ये, तो इसे मैंने अपने चीक को ब्रॉन्ज किया है ताकि एक अच्छा सा शेप में आ जाए मेरा फेस और स्कल्ट। देन मैंने अपने फोरहेड को भी थोड़ा सा ब्रॉन्ज किया है। एंड जॉ लाइन को भी, नोज़ को मैंने भी थोड़ा सा कॉन्टोर किया ताकि शेप में आ जाए और थोड़ी सी पॉइंटेड लगे। देन मैंने लिया है एक कोरल पिंक कलर का ब्लश उसी पैलेट से एंड अपने अपर ऑफ द चीक्स पे अप्लाई कर लिया है इसे, थोड़े से पिंकी पिंकी हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्यारा लुक देता है। एंड फिर मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, वही वाला पैलेट जो मैंने अपने आई कॉर्नर्स और अपने आईब्रो बोन को सेट कर हाईलाइट करने के लिए लिया था, उससे मैंने अपनी चीक बोन को हाईलाइट किया एंड कीप इट गो फोर हेड ब्रिज ऑफ द नोज, इन सबको मैंने हाईलाइट कर लिया एंड थोड़ा सा अपने नेक पे हाईलाइटर लगाया है ताकि थोड़ा सा सिमर लुक दे। उसके बाद मैंने लिया है पर्पल की अल्ट्रा HD मैट लिक्विड लिपस्टिक, ये इसका शेड आई डोंट नो, आई थिंक माई फर्स्ट डेयर, या माई फर्स्ट डेयर इसका शेड नेम है,
तो आप पर्पल पे मैंने इसका रिव्यू किया है, तो मैं आई बॉल पे दे दूँगी, तो आप वो रिव्यू देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है ये। देन मैंने ये है ब्लू हेवन का मेकअप सेटिंग स्प्रे, मैं इससे अपने फेस पे स्प्रे कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे और बहुत लंबे टाइम तक चल जाए, 6-7 घंटे तक। उसके बाद मैंने जितना भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा था उसे तो गई, ये मेकअप लुक मेरा फिनिश हो चुका है। एंड आप देख सकते हैं कि बहुत ही ग्लोई मेकअप लुक निकल कर आया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरा मेकअप लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। एंड उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकॉन होगा, उसे भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आप मेरे फ्यूचर वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। Thank you.